ना, सी हैड बीन टोल्ड बाय मेनी पीपल दैट हर शाइनी ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आई मेड हर स्टैंड अप इन अ क्राउड। अब देखिएगा, चूँकि यहाँ पे हैड से पता चल रहा है कि ये पास्ट का ही सेंटेंस है, ठीक है, ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पास्ट की ही बात की गई है, और ये आपका जो कंजंक्शन है दैट है कनेक्ट जो कर रहा है पहला क्लॉज को और दूसरे क्लॉज को जो कनेक्ट कर रहा है। तो पहला क्लॉज में आपका जो यहाँ पे पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी आपका पास्ट में है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको कि दैट से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है फर्स्ट क्लॉज आपका पास्ट में है तो सेकंड क्लॉज भी यहाँ पे पास्ट में है। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो सकता है, तो आपको हमेशा एरर आर्टिकल बेस्ड हो सकते हैं, वर्ब बेस्ड हो सकते हैं, ठीक, प्रीपोजिशन बेस्ड हो सकते हैं, नाउन बेस्ड हो सकते हैं मीन्स की पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स बेस्ड हो सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड हो सकते हैं, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एरर हो सकते हैं, कभी कभी वर्ड से रिलेटेड भी एरर होते हैं। जब इन सब चीज़ को देख लिया भाई सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, कनेक्टिविटी भी बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना होगा, कभी कभी आपको फ्रेजल वर्ब पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, फ्रेजल, ठीक है, फ्रेजल वर्ब पर भी ध्यान रखना होगा। तो फ्रेजल वर्ब में भी आते हैं कि भाई फ्रेजल वर्ब में ध्यान क्या रखने वाला बात होगा, तो फ्रेजल वर्ब में ध्यान रखना होगा यहाँ पे एक वर्ड यहाँ आपको दिख रहा है स्टैंड अप, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंड अप का मतलब जान लीजिए क्या होता है, अब यहाँ पे स्टैंड अप का पहले मतलब अगर जान लीजिएगा तो आप खुद ही इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। स्टैंड अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना या फिर सहमत होना, सहमत होना। अब अगर सेंटेंस की बात पढ़ा जाए कि सी हैड बीन टोल्ड बाय मेनी पीपल दैट हर शाइनी ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आई मेड हर स्टैंड अप इन अ क्राउड। अब ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पे स्टैंड अप की बात कीजिए उस भीड़ में, उसके लिए वो कुछ सहमति की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड अप की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए, स्टैंड आउट, जिसका मतलब क्या होता है, आकर्षक दिखना, आकर्षक दिखाना, ठीक है, आकर्षक दिखाना, टू बी नोटिसेबली बेटर, ठीक, टू बी नोटिसेबली बेटर। तो यहाँ पे आपको सी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, स्टैंड अप की जगह पे क्या होना चाहिए, स्टैंड आउट। और हाँ, आप स्टैंड अप का मतलब भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टैंड अप का भी मतलब आता है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड चीज़ें, तो स्टैंड अप का मतलब होता है टू सपोर्ट या सहमत करना, सहमत होना, स्टैंड आउट का मतलब आकर्षक दिखाना, टू बी नोटिसेबली बेटर, ठीक है, नोटिसेबली बेटर, ठीक, टू बी नोट कर लीजिएगा, टू बी नोटिसेबली बेटर, ठीक है, बेटर। चलिए ये हो गया यहाँ पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, ठीक है, यहाँ पे एंड से यहाँ पे कंजंक्शन जो जुड़ा हुआ है एंड से पहले भी यहाँ पे देख लीजिए पास्ट में है एंड पुल्ड आउट, ठीक है, पास्ट में, ये भी सही है कि एंड से जुड़ा कंजंक्शन से पहले वाला क्लॉज आपका पास्ट में, सेकंड क्लॉज भी पास्ट में है, पुल्ड आउट 25 रुपीस और नो एरर। एक मुझे यहाँ पे वर्ड दिखा ट्राउज़र, देखिए ट्राउज़र जो होता है हमेशा ऐसे वर्ड पेयर में होते हैं, क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। अब जब ऐसे वर्ड जो पेयर में होते हैं ना हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा प्लोरल में होते, आपको इसमें क्या करना होगा, एस लगाना होगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पे सही होगा। तो आपका बी पार्ट में एरर है, ठीक है, बी वाले पार्ट में एरर है, कभी भी आप ट्राउज़र को ट्राउज़र नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होता है, हमेशा ट्राउजर्स लिखना होगा, क्लियर, हमेशा ट्राउजर्स लिखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक यू गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ, थैंक गॉड यू योर फैमिली एंड यू। अब देखिए आपको यहाँ पे एक रूल आपको बताया, तो 231 रूल, 231 रूल क्या होता है, इस टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन, थ्री का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और ये इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो कुछ इसी सेंटेंस जब भी कनेक्ट होगा इसी बेस पे यहाँ पे कनेक्ट होगा कि थैंक यू, यहाँ पे जो थैंक्स गॉड लिखा हुआ है आपको क्या करना होगा, पहले सेकंड पर्सन को लाना होगा, फिर आपको ये थर्ड पर्सन को लाना होगा, मीन्स कि करना क्या होगा आपको,
इसमें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बी वाले पार्ट में एरर है, आपको क्या लिखना होगा, थैंक्स गॉड यू एंड योर फैमिली होगा, ठीक है, योर फैमिली होगा, है ना। तो थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ, क्लियर, थैंक्स गॉड यू एंड योर फैमिली आर सेफ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द पैसेंजर्स वर, ठीक है भाई, पैसेंजर प्लोरल, यहाँ पे प्लोरल के लिए प्लोरल का यूज़ किया गया, वर आस्क टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। अब देखिए यहाँ से फिर से एक फ्रेजल वर्ब रिलेटेड यहाँ पे एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, सी वाले पार्ट में एरर है, ध्यान रखिएगा। अभी तक यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको फ्रेजल वर्ब रिलेटेड एरर हैं। तो देखिए यहाँ पे गेट डाउन ऑफ की बात यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे गेट डाउन ऑफ नहीं होगा बल्कि गेट डाउन फ्रॉम होगा, ठीक है, गेट डाउन फ्रॉम मतलब होता है क्या, इसका मतलब किसी वाहन से नीचे उतरना, ठीक है, गेट डाउन फ्रॉम किसी वाहन से नीचे उतरना, तो ठीक है ना, यहाँ पर ट्रेन दिख रहा है कि भाई ट्रेन क्या है, कि वाहन है। द पैसेंजर्स वर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन, ना हो कि गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर को कहा गया भाई ट्रेन से क्या करना है, उतरना है लेकिन केयरफुली, क्लियर। तो आपका सी पार्ट में एरर है, ठीक। वैसे गेट ऑफ का भी मतलब होता है, नोट करना चाहे तो नोट कर ले, ठीक है, गेट ऑफ का मतलब होता है क्या भाई, काम से आधिकारिक छुट्टी मिलना, ठीक है, आधिकारिक तौर पे छुट्टी मिलना कह सकते हैं, आधिकारिक तौर से छुट्टी मिलना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर, ठीक है, यू विल नॉट एबल टू पे योर रेंट। तो देखिए अनलेस के क्या है, अनलेस के साथ तो कभी नेगेटिव तो मीन्स कि होता नहीं है, तो ठीक है पहले वाले सेंटेंस में अनलेस के साथ नेगेटिव है नहीं। सेकंड क्लॉज जो है कि यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर जब कंडीशनल की बात होती है, कंडीशनल सेंटेंस की बात होती है, याद रखिए, तो कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है अगर आपका पहला क्लॉज अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट में है तो सेकंड क्लॉज क्या होता है, फ्यूचर में होता है। तो ठीक है पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट में है, ठीक है, तो सेकंड ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्यूचर यहाँ पे है, फ्यूचर टेंस में है ना, यहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, आप फ्यूचर इनडेफिनिट कीजिए। और अनलेस के साथ कभी भी निगेटिव आता नहीं, ऐसा नहीं कि अनलेस यू डोंट कर देंगे, अनलेस यू डोंट करने से ही सेंटेंस में डोंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी निगेटिव बताते हैं, अनलेस अपने आप में क्या है, एक निगेटिव है, और निगेटिव साथ निगेटिव पता नहीं है, तो ये सेंटेंस हो बिल्कुल सही है, और ये भी सही है, टू पे योर रेंट भी सही है, यू विल नॉट एबल टू पे योर रेंट। तो कुल मिलाकर आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, मीन्स की नो एरर, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी यूजुअली हैव टू लंच एट 12, वी यूजुअली हैव द लंच एट 12। अब देखिए वी यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, अगर प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो एक होता है पॉजिटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पॉजिटिव केस की बात करें, ठीक है, या नॉमिनेटिव केस की यहाँ पे बात करते हैं, तो चीज़ें क्या समझने वाली यहाँ पे बात होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे ये है आपका नॉमिनेटिव केस, ठीक है, वी आपका हो गया नॉमिनेटिव केस, फिर आपका पॉजिटिव केस होता है जिसमें आवर होता है, ठीक है, पॉजिटिव केस में क्या होता है, आवर होता है और आवर्स होता है ना। तो ये पॉजिटिव केस में दो पार्ट में बट गए, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, वी का अस, ये आपका होता है पॉजिटिव केस में, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है, और ये आपका हो जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी सेंटेंस में देखिए कि वी यूजुअली हैव के बाद यहाँ पे सी वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, ये वाले पार्ट में आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, आवर लगाना होगा, है ना, क्या लगाना होगा,
आवर लगाना होगा, ठीक है। वी यूजली हैव द नहीं लगाना होगा, द लंच नहीं, ठीक है। वी यूजली हैव यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होगा, ठीक है। वी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजिशन की बात बताया जा रही है कि हम जो हम लोग हैं हमेशा क्या करते हैं, लंच को जो करते हैं भाई हमेशा क्या करते हैं, 12 के साथ मीन्स कि 12 आवर मीन्स कि दोपहर में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि वी यूजुअली हैव, और हैव अगर बात की जाए किसका लंच भाई, तो खुद का तो लंच होगा ना, खुद की लंच ही हम लोग हमेशा करेंगे। वो द लंच की बात नहीं हो रहा, यहाँ पे आर्टिकल लगाकर द यहाँ पे गलत किया गया है। द की जगह पे आपको क्या लगाना होगा, आवर करना होगा, ठीक है। उसी वाले पार्ट में एरर है, नोट कर लीजिएगा। वी यूजुअली हैव आवर लंच एट 12, यहाँ पे पोजीशन दिखाने की बात कहा गया, यहाँ पे पोजीशन दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि भाई हम अपना वही अपना जो खाना हम लोग हमेशा जो 12 आवर पे खाते हैं अक्सर उसी टाइम पे खाते हैं। द यहाँ पे लगाने, द लंच कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आर लंच होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी। पहले तो याद रखिएगा से टू इक्वल टू होता है टेल। अब यहाँ पे देख लीजिए टेल टू नहीं होगा, ठीक है, टेल टू यहाँ पे नहीं होगा, बी वाले पार्ट में एरर है। आपको क्या करना होगा, या तो प्लीज़ से टू करना होगा या फिर आपको टेल लिखना होगा, दोनों में से कोई एक यहाँ पे यूज़ करना होगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। प्लीज़ टेल मी द स्टोरी या प्लीज़ से टू मी द स्टोरी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर, है ना। तो ये भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। इसका रोल भी जानना आपको ज़रूरी होगा। देखिए सबसे पहले आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आप इसमें फाइंड आउट कर लेंगे भाई एरर कहाँ पे। देखिए सो एक एज होता है, ठीक है, एक होता है एज डॉट डॉट एज का कंजक्शन होता है, कंजंक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है। ये आपका निगेटिव में होता है सिर्फ यूज, ठीक है, और ये आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में यूज़ होता है और ये आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में होता है, एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, पॉजिटिव ये डिग्री में होता है। तो पहला चीज़ तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, सेकंड चीज़ कि ये पॉजिटिव डिग्री में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देख रहा है कि एज है, एज एज है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, ये तो निगेटिव में भी हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है, तो ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव है सही है। लेकिन ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एडजेक्टिव, ये वाला एडजेक्टिव, ये स्ट्रॉन्गर ना होकर अभी मैंने क्या बताया पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा, मीन्स कि बी वाला पार्ट में एरर है। ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, क्लियर। और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा 9th वाले में। वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार, देखिए पहले तो वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है, ठीक है, एक तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ होता है भाई कि वर्ब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो ठीक है वन ऑफ के बाद यहाँ पे देख रहे हैं नाउन क्या है, प्लूरल है, सही है, इन माई क्लास, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये वर्ब यहाँ पे क्या होगा, हैव नहीं होगा बल्कि हैज होगा, मीन्स की बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ गलत होगा, हैज़ होना चाहिए, वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैज़ ए कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, अब आते हैं यहाँ पे, माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाई वॉक, ठीक है। माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाई वॉक, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मेरा जो स्कूटर है वो सर्विस के लिए गया हुआ है, इसलिए क्या है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, किसके कैसे जाता हूँ भाई, वॉक से जाता हूँ। तो अगर वॉक आप यूज़ करते हैं तो वाई का यूज़ करते हैं तो गलत है, ठीक है। इसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा आपको ऑन वॉक की जगह पे ऑन बाय वॉक की जगह पे ऑन फुट करना होगा, ठीक है, ऑन
फुट करना होगा, ठीक। सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस ऑन फुट या फिर वॉकिंग, ठीक है, दोनों में से कोई एक का यूज यहाँ पे करना होगा। चलिए ये हो गया एरर वाला पार्ट, अब आते हैं यहाँ पे फिलर वाले पार्ट आते हैं। ये फिलर वाले वाला पार्ट काफ़ी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका रोल कितना ज़बरदस्त प्ले होता है आपको खुद इमेजिन होगा जब हम यहाँ पे आपको चीज़ें समझाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, 11 नंबर में, द स्लम चिल्ड्रेन डैश राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। स्लम के जो बच्चे हैं जो बर्निंग फायर है उसके उससे क्या हो रहा है भाई, राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। अब आग कहीं जल रहा है, ठीक है, आग कहीं पे जल रहा है, अब उसके इर्द गिर्द क्या है, बैठे हुए हैं बच्चे, किस लिए भाई, अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ठंड के मौसम में यही होता है ना कि आग जलाकर लोग ठंड में आसपास में सट सट के लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं ताकि ठंड से निजात पाया जा सके। वर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट जो वर्ड होगा वो होगा हडल। हडल का मतलब जो होता है यहाँ पे एक जगह एक दूसरे से सट कर बैठना, ठीक है। तो इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा हडल, HUDDLED, हडल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है कि यहाँ पे पॉलिस्टर शर्ट्स, पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर, अब देखिए मोर के बाद हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये क्या भाई, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन है तो मोर के साथ क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। मोर के साथ आपको क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए, है ना। तो देखिएगा अब इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे आप समझिए। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे बात, हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, अगर एलवाई यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है तो ये तो एडवर्ब हो रहा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। लास्ट का टी वाई है, किसी वर्ड का लास्ट में अगर टी वाई दिखता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ये भी नहीं होगा। टी आई ओन दिखता है, ये भी नाउन है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेबल होगा चूँकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ें को एलिमिनेट करके भी हम फॉर्म, हम फिलर को भर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी मीनिंग पता चल रहा है, सेंटेंस का अर्थ नहीं भी पता चल रहा है, तब भी आप कर सकते हैं। तो पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर ड्यूरेबल दैन द कॉटन वंस, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वॉज वॉर्न डैश रिच पेरेंट्स, ठीक। तब देखिए यहाँ पे जो होगा कौन सा यहाँ पे फिलर करेंगे, वॉर्न विद होगा, वॉर्न फ्रॉम होगा, वॉर्न टू होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ होता है, एक तो होता है वॉर्न इन होता है, ठीक है, और एक होता है वॉर्न ऑफ होता है, दोनों का मतलब होता है। वॉर्न इन का मतलब होता है प्लेस, कहीं प्लेस, कहीं जगह पे अगर आपका जन्म होता है वहाँ पे होता है वॉर्न इन। लेकिन वॉर्न ऑफ का मतलब यहाँ पे समझिएगा क्या होता है, माता पिता का संतान होना, ठीक है, माता या पिता का, यहाँ पे माता पिता का क्या होना, संतान होना। अगर आप यहाँ पे अपने माता पिता के संतान हैं, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, सी वॉज वॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वो रिच पेरेंट्स के संतान हैं। अगर आप कहीं जन्म लेते तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको इन लगाना होगा, ठीक है। जैसे सी वॉज रिच, सी वॉज वॉर्न इन, कहीं भी कनाडा, अमेरिका, कहीं भी इंडिया, कहीं भी आप कह सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑफ होगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ये प्रोनाउन से रिलेटेड आपको एरर यहाँ पे फाइंड आउट करने को होगा। अभी मैंने आपको प्रोनाउन से रिलेटेड चीज़ मैंने बताया था कि एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है पॉजिटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस में भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है ना। अब देखिए चिल्ड्रेन शुड ओबे क्या होना चाहिए भाई, दे होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, देम होना चाहिए, देयर होना चाहिए। अब देखिए चिल्ड्रेन शुड ओबे डैश पेरेंट्स,
अब यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव केस की बात की जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव केस में भी किसकी बात होगा भाई, पॉजिटिव केस में भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात होगा। तो इस लिहाज से आपका यहाँ पे चिल्ड्रेन शुड ओबे किसके पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स मतलब अपने अपने माता पिता। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की बात हुई, एक विशेषता की बात हुई, ठीक है। तो डियर पेरेंट्स होगा यहाँ पे, डियर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए था। पॉजिटिव एडजेक्टिव डियर होता ना कि देम होगा, ठीक है, ना कि देम होगा। देम तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, ये तो होगा नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। और दे तो नॉमिनेटिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, ये तो सेंटेंस का स्टार्ट में होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। और अगर माइंड की बात करते हैं तो माइंड भी आपका ये पॉजिटिव क्या है, प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्रोनाउन आई का बनता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। कुल मिलाकर आपका चिल्ड्रेन शुड ओबे दियर पेरेंट्स होगा, ठीक है। चूँकि देखिए आप, ये भी प्लोरल है और प्लोरल के हिसाब से ये भी प्लोरल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, हैज़ बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन लगा हुआ तो क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका ये खासियत है कि हैज़ या हैव होगा, ठीक है, हैज़ या हैव होगा, बीन तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या होगा, सिंस या फॉर का यूज़ होगा। तो देखिए सिंस और फॉर का यूज़ होगा तो ठीक है भाई, सिंस और फॉर का यूज़ होगा, यहाँ पे भी सिंस भी है, यहाँ पे फॉर भी है, किसका यूज़ करें, तो यहाँ पे होगा आंसर डी, ठीक है। फॉर होता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस किसके लिए होता है भाई, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए यस्टरडे, और यहाँ पे अगर बात हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो फॉर के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा सिंस होगा, ठीक ना। संडे हो गया, सैटरडे हो गया, मंडे हो गया, 1990 हो गया, इस तरह से। अगर टू डेज़ की बात करें, थ्री डेज़ की बात करें, तब हम यहाँ पे एक निश्चित पॉइंट होता है ना, टू डेज़, थ्री डेज़, फोर डेज़, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे फॉर का लगाते हैं, फॉर टू डेज़, फॉर थ्री डेज़। अगर हम मंडे से बोलते हैं, या फिर अगर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से कहीं पे यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट लाइक डैश शुगर इन माई कॉफ़ी, क्या होगा, मेनी होगा, मच होगा, फ्यू होगा, फ्यू होगा। ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जाने की है क्या फ्यू, एक तो काउंटेबल है, फ्यू भी आपका काउंटेबल है, ठीक है। ये क्या है काउंटेबल, ये भी काउंटेबल है, ये क्या है अनकाउंटेबल है, और मिनी क्या है, ये काउंटेबल है ना। ये भी ये फ्यू क्या है काउंटेबल है, फ्यूर भी काउंटेबल है, मिनी क्या है, मिनी प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, और मच क्या है, ये भी आपका अनकाउंटेबल है ना। लेकिन ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। शुगर क्या है भाई, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगेगा, मच होगा, ठीक है, मैनी नहीं होगा, क्योंकि मैनी से हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे काउंट किया जा सकता है, ठीक है। फ्यू का मतलब ये होता है काउंट करते हैं, फ्यूर तो आपका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सेंस को आपका तो काउंट का ही होगा। आई डोंट लाइक मच शुगर इन माई कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड रिजल्ट्स आर डैश एनी मोमेंट। अब अक्सर आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता है कि भाई रिजल्ट का हम कभी भी क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, रिजल्ट कभी लॉन्च नहीं होता है, ठीक है, या कंपाइलर टैबलेट नहीं होता, बल्कि एक्सपेक्टेड की बात होती है कि भाई अब संभावना कि कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट देयर वाज नो ट्रेस डैश फिंगरप्रिंट्स। अब देखिए इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है, तो ट्रेस के साथ याद रखिएगा हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ
प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, सी नंबर ऑप्शन होगा। ट्रेस ऑफ, किसी चीज़ का जो भी हो पता करना, देर वॉज नो ट्रेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, मीन्स के फिंगरप्रिंट्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया था, है ना। अब आते हैं, अब इस वाले फिलर में क्या होगा, वेन एवर यू डैश इन टाउन कॉल मी। अब इससे क्या पता चलता है भाई, एक तो सबसे पहले बताओ यू के साथ लगता क्या है, इज तो लगता नहीं, एम लगता नहीं, दोनों एलिमिनेट हो गया, अब या तो आर होगा या तो वर होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है, अगर सेंटेंस को ध्यान देते हैं कि वेन एवर यू डैश इन टाउन कॉल मी, जब तुम शहर में होगे तब कॉल करें, मीन प्रेजेंट की बात कर कहा जा रहा है, जब तुम प्रेजेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जब होगे तभी तो करेंगे, तो प्रेजेंट की बात हो रही, पास्ट की बात नहीं, कि भाई जब थे तब नहीं, जब होगे तभी तो करोगे ना, तो प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, तो ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश सेवरल म्यूजियम इन दिल्ली। अब बताओ कि कोई भी म्यूजियम का क्या करता है, कई सारे म्यूजियम हैं दिल्ली में, तो कोई क्या करेगा भाई, लेफ्ट एट नहीं करेगा, ना मूव्ड एट करेगा, ना वेंट फॉरवर्ड करेगा, बल्कि विजिटेड नहीं करेगा भाई। म्यूजियम में क्या करते हैं, विजिट करने लोग करते हैं, विजिटिंग तो करते हैं ना जाकर। चलिए ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे साइनों की बात हो रही है, बेस्ट एक्सप्रेस, साइनो या सिनोनिम जिसको कहते हैं समानार्थी वर्ड, है ना, इस पे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको वर्ड पावर पे अच्छी पकड़ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सुधारने, क्लैम लिखा गया, यहाँ पे काम होगा, काम होगा, ठीक है, काम मतलब शांत होता है। पहले यहाँ पे फ्यूरियस है, फ्यूरियस का मतलब जो होता है यहाँ पे क्या होता है, फ्यूरियस मतलब क्रोधित होता है, ठीक है, फ्यूरियस का जो मतलब होता है वो होता है क्रोधित, ठीक है। अगर फ्यूरियस का मतलब क्रोधित होता है, क्रोधित गुस्सा से भरा भरा, एक तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया, सबसे पहले जान लीजिए। स्माइल ये पॉजिटिव वर्ड है, होगा नहीं, काल में आपका पॉजिटिव वर्ड है, होगा नहीं। अब एंग्री होगा या डिस्प्लेट होगा, ये नेगेटिव दोनों वर्ड है ना, अब इनमें से दोनों में से कौन होगा, तो एंग्री होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूरियस, फ्यूरियस या एंग्री का मतलब दोनों सेम ही होता है, क्रोधित होना, गुस्सा नहीं, लेकिन डिस्परेट जो होता है यहाँ पर, डिस्परेट मतलब बेचैनी होता है, ये अलग तरह का चीज़ हो गया, ये गुस्से की बात नहीं, खुद से बेचैनी की बात है, कोई बेचैन है किसी चीज़ को लेकर, बेचैनी होता है, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव किससे भी एलिमिनेट, कम से कम आपको दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट को, तो अब इन दोनों में से अगर, ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता, कभी कभी क्या कर सकते हो, तुक्का भी तो कर सकते हैं ना, तुक्का तो खेलना पड़ेगा ना, अगर तुक्का सही हो गया तो नंबर दे जाएंगे, कम से कम ये दोनों में से तुक्का, तो चारों में से तुक्का लगाना मुश्किल हो सकता है, गेस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दो में से गेस करना काफ़ी ईजी होता है, अगर आपके वर्ड पावर अच्छे तो फिर तो मुश्किल ही नहीं है, है ना। अब आते हैं मैनर्स पर आते हैं, ठीक है, मैनर्स का मतलब होता है, एक वर्ड सिंपल है, मैनर्स का मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा, इसमें कोई खास लेंदी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कन्वल्जन का मतलब क्या होगा, कन्वल्जन का मतलब होता है फिट होता है, ठीक है, मीन्स कि दौरा पड़ना, दौरा पड़ना, तो अक्सर ये होता है क्या कि एक तरह का कह सकते हैं डिजीज़ कह सकते हैं एक तरह का, ठीक है, अक्सर किसी को गर्मी के दिन में काफ़ी गर्मी होती है तो उनको क्या होता है, फिट आ जाते हैं, चक्कर खा के लोग गिर जाते हैं, है ना, चक्कर खाकर गिर पड़ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं दौरा पड़ना या फिट करना, फिट आना, आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्लियर, इसका मतलब ये होगा फिट। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रैप्शन और या कीज़ है, तो कीज़ का मतलब क्या होता है, रोकना होता है, कीज़ का मतलब रोकना, और कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है मशीनरी या मशीन से संबंधित, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग, ठीक है, इसको कहेंगे एंटोनीम की बात करते हैं, आइए एंटोनीम भी देख लेते हैं क्या क्या होता है भाई। एंटोनीम जस्ट का मतलब होता है खुशी या उत्साह के सेंस में होता है, ठीक है, तो देखिए ये पॉजिटिव सेंस है, गस्टो का मतलब ये भी होता है, इसका मतलब भी उत्साह होता है, ये भी पॉजिटिव है, जिल का मतलब भी उत्साह होता है। अब हो गए एन हैप्पीनेस और डिस जो होगा या डिस इंक्लिनेशन होगा, अब इन दोनों में से कौन सा होगा,
तो ये तो होगा नहीं भाई, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब तो उत्साह होता है ना, उत्साह होता है। तो इसका सही जो मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, आप किसी चीज़ से बहुत उत्साहित हैं। उत्साहित कब होता है, उत्साहित कब लोग होते हैं, जब उसमें रुचि होता है तभी लोग उस चीज़ को लेके उत्साहित होते हैं। तो आंसर जो होगा आपका इसका 24 का, वो होगा डी नंबर। इसका मतलब होता है अरुचि, आपको उसमें रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, उत्साह नहीं है, ठीक है। अरुचि जिसमें कि आपको इच्छा नहीं है, ठीक है। अनहैप्पीनेस नहीं होगा, अनहैप्पीनेस अलग चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बर्थ। बर्थ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बर्थ का मतलब सभी को पता है भाई, बर्थ का मतलब जन्म लेना, तो डेथ का मतलब मृत्यु होगा, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। और रिसरेक्शन का मतलब यहाँ पे अगर जाना चाहें तो नोट कर सकते हैं, पुनर्जीवन होता है, पुनर्जीवन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 26 पे। 26 का क्या होगा भाई, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू होता है जिसका मतलब कहते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस इसका होगा। अब आते हैं हम लोग इडियम फ्रेज पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि ही टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, ये अपने आप में क्या एक, इसका मीनिंग आपको बताना है, जो अंडरलाइन किया गया इसका अर्थ बताना है। ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस, तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है कि इग्नोर करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, ऐसा नहीं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, आप सुन रहे हैं चीज़ों को, आप सुन रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। तो जो इसका जो सही होगा, करेक्ट जो आंसर होगा 27 का, वो होगा आपका बी, डिसरिगार्डेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिड नॉट हियर, नहीं, आप कहीं किसी दूसरे जगह से कोई साउंड आ रहा है उसको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे हियर की बात नहीं बल्कि इग्नोर की बात। और इग्नोर करना मतलब डिसरिगार्डेड करना, ठीक है। ही डिसरिगार्डेड टू माई एडवाइस, तो आप ऐसे कहते हैं डी, टर्न और डी फेयर का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्लेन टुक ऑफ एट 16 आवर्स, टुक ऑफ मतलब टुक ऑफ या टेक ऑफ होना मतलब कि क्या, जमीन को छोड़ देना और हवा में उड़ जाना, यही तो होगा ना, लेफ्ट द ग्राउंड होगा, ठीक है। ब्रोक इन टू पीसेस, भाई टुकड़े टुकड़े क्यों हो जाएगा, ऐसा तो बहुत शुभ हो जाएगा। रन डाउन बोलिए या रन डाउन बोलिए, तो रन डाउन का बहुत ही कई बार ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, रन डाउन का मीनिंग आप जरूर नोट कीजिए, ठीक है। रन डाउन का मतलब होता है कुचलना, कुचलना, तो वाहन से अगर बात होगा तो वहाँ पे कुचलना का सेंस होगा, और भी मीनिंग होता है इसका। रन डाउन का मतलब होता है आलोचना भी करना होता है, ठीक है, आलोचना या क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना, ठीक, या फिर कमज़ोर पड़ना भी होता है, कमज़ोर पड़ना। तो तीनों में से किसी भी चीज़ का हो सकता है, कुचलना हो सकता है, क्रिटिसाइज करना हो सकता है, कमज़ोर पड़ना हो सकता है ना। आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए आते 29 में, देखते हैं क्या है भाई यहाँ पे। वी हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप, तो यहाँ पे गॉन थ्रू का मतलब बताना है, ठीक है। इसके पहले वाले में आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया होगा, टेक ऑफ मैंने बता दिया था, अब है यहाँ पे गो थ्रू या गॉन थ्रू कहेंगे, ठीक है। तो देखिए गो थ्रू या गॉन थ्रू का मतलब यहाँ पे जो होगा वो होगा किसी दौर से गुजरना, ठीक है, किसी दौर से गुजरना। अब वो हमेशा क्या होता है कि जब वर्ज कंडीशन होता है तब आदमी वो बुरी स्थिति से गुजरता है, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे उसको, सफर्ड कहेंगे, ठीक है। सी नंबर डी नंबर ऑप्शन होगा, वी हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप, हम लोग कई सारी कठिनाइयों से हम लोग क्या किए, गुजर चुके हैं। वी हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप, वी हैव सफर्ड मेनी हार्डशिप, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और देखिए सेंटेंस जो इम्प्रूवमेंट की बात होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से एरर भी आपको इसमें बन जाते हैं, है ना, रूल्स भी बहुत सारे इसमें होते हैं, तो
तो ध्यान देने वाली बात है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सबके लिए। देखिए, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस, यहाँ पे अंडरलाइन जो किया, इसका मतलब आपको बताने कि भाई क्या होगा, ये सही करने करना यहाँ पे होगा या नहीं करना होगा, ये जो अंडरलाइन वाले पार्ट है क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे सुनिएगा, कभी भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लगेज या लगेजेस, ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। आंसर होगा लगेज, कभी भी लगेज का लगेजेस हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी हम लोग लगेज का क्या करते हैं, लगेजेस नहीं करते हैं, एक बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे वर्ड है होते हैं, तो बहुत सारे वर्ड अगर जानना है तो हमारे चैनल पे हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए इंग्लिश का, उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से इसकी डीप नॉलेज आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट, मैन लाइक महात्मा गांधी एंड अब्राहम लिंकन डू ग्रेट डीड्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। बात हो रहा है महात्मा गांधी की, बात हुई है महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का या अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्ति का, वो किस लिए भाई जाने जाते थे, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, अपने स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर के कारण वो क्या हुए, बहुत ही फेमस हुए, अपने काम को लेकर, अपने स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर को लेकर काफ़ी फेमस हुए, है ना, काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी जाने जाते हैं। अब देखो महात्मा गांधी वो आज के तो है नहीं, अभी तो वो प्रेजेंट में वो जिंदा है नहीं, ना अब्राहम लिंकन जिंदा है, तो यहाँ पर डू जो कहा गया ये प्रेजेंट की बात बताया जा रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पास्ट की बात होनी चाहिए, तो पास्ट के लिए हमें क्या करना होगा, डू का डिड करना होगा, तो डिड किस में है, बी नंबर ऑप्शन में, क्लिक टिक करें, आंसर आपके हाथ में होगा, है ना। चलो ये तो बात हो गया, अब आते हैं 32 में, हिज एल्डर ब्रदर इज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर की जगह पे क्या होगा, लुक फॉर मतलब देखभाल भी हो करना होता है ना, लुक फॉर मतलब देखभाल भी हो करना होता है, और या फिर किसी के जैसा दिखना, तो हिज एल्डर ब्रदर इज क्या होगा यहाँ पे, लुकिंग, यहाँ पे लुकिंग फॉर हिम होगा, या फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपका जो होगा हिज एल्डर ब्रदर इज, चूँकि इससे आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट में है, तो आप यहाँ पे लुक्स लगाए कि हिज एल्डर ब्रदर इज लुक्स फॉर हिम, लुक फॉर का मतलब ही होता है भाई, लुक फॉर का मतलब ही होता है देखभाल, है ना। आगे आते हैं, सी इज सॉल्व एनी सम ऑफ सो फार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ही इज सॉल्व एनी सम सो फार। अब देखो यहाँ पे एक कौन सा है, यहाँ पे एक चीज़ है, एक कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसको एक सेकंड में, एक झटके में देखते आप आंसर कर दोगे, है ना, इस चीज़ को यहाँ पे कैसे करेंगे। देख लो, जब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखा सो फार, ठीक है, आपको दिखा यहाँ पे सो फार, अब यहाँ पे क्या करो, जहाँ पे सो फार दिखे, सो फार के साथ जो होगा, इसके साथ जो वर्ब होगा, ठीक है, वो क्या होगा भी, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है, इसके साथ जो वर्ब होगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो भाई ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में ए होगा कि बी होगा, ये तो समस्या, ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है, तो जाहिर सी बात है कि ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो 33 हो गया, अब आते हैं 34 पे, एक चीज़ जान लो कि एक तो पहले यहाँ पे नोट कर लो, यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट में होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, साउंड स्लीप वाज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ, वाज लगाया गलत,
हमें क्या चाहिए, इज होना चाहिए, इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ। ठीक है, साउंड स्लीप इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ द हेल्थ, क्लियर। प्राइमरी नहीं होगा बल्कि प्राइम नेसेसिटी हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्राइम नेसेसिटी का मतलब तो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत की चीज़ें जो होती है उसके बारे में बात हो रही है। चलिए ये हो गया, अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या है, द कर्व्ड पाथ ऑफ प्लैनेट, कर्व्ड पाथ ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का जो कर्व पाथ को हम क्या कहते हैं, है ना, इसको जो कहते हैं वो, इसको इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ऑर्बिट कहते हैं कर्व पाथ को। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट 36 में, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारी से छुटकारा पाना का कोई रामबाण, जिसको हम कहते हैं रामबाण, इसलिए कहते हैं पैनेसिया, इसका आंसर होगा पैनेसिया। ठीक है, नेक्स्ट है हैपनिंग वंस अ ईयर, हैपनिंग वंस वंस अ ईयर का यहाँ पे क्या होगा 37 में, तो आंसर होगा एनुअल। ठीक है, एनुअल हैपनिंग वंस अ ईयर। अब यहाँ पे एक चीज़, इसका बेनियल मतलब जान लीजिए, है ना, बेनियल का भी यहाँ पे आप यहाँ पे इसका मीनिंग जान लीजिए कि इसका क्या होता है। ठीक, तो क्या मैं कह रहा था कि बेनियल, बेनियल बेनियल का मतलब होता है यहाँ पे 2 साल में 1 बार। ठीक है, 2 साल में 1 बार तब इसको कहते हैं बेनियल। यहाँ पे बात होता है हैपनिंग वंस इन ईयर, तो इसका तो आंसर हो गया एनुअल, साल में एक बार, लेकिन 2 साल में 1 बार तो बेनियल। अच्छा, बाईसेंटेनरी का क्या होगा, बाईसेंटेनरी का होगा मीन्स कि 200वां साल, बाईसेंटेनरी। ठीक है, पहले तो सेंटेनरी का मतलब जान लीजिए, सेंटेनरी का मैं यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये होगा आपका 100 वर्ष पूरे होने पर होता है। ठीक है, 100 वर्ष जब पूरे होते हैं, 100 वर्ष पूरे होने का समारोह होता है ना, कोई सेरेमनी होता है 100 वर्ष पूरे होने पर, तब होते हैं सेंटेनरी कहते हैं। लेकिन बाई सेंटेनरी, बाई आगे लग गया मीन्स कि इसका मतलब दो, दो का मतलब 200वां साल, जब 200वां साल होता है तब इसको कहते हैं बाई सेंटेनरी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे कि वन हु डिज़ाइन बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के डिज़ाइन कौन करता है भाई, सिंपल सा बात है, अगर आपने बचपन से पढ़ा हो तो आर्किटेक्ट करता है भाई, बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर तो नहीं बनाता है ना, ना मैसन बनाता है, ना ही इंजीनियर बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ, जब खुद की जीप नहीं लिखा जाता उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो आंसर होगा ए, लेकिन जब दूसरे की जीवनी लिखा जाता है, दूसरे की जीवनी लिखा जाता है तो क्या कहते हैं उसे, बायोग्राफी। कैलीग्राफी किसको कहते हैं, हस्तलिपि को, जो हाथ से लिखा जाता है ना, हस्तलिपि को, और स्टेनोग्राफी को कहते हैं आंसुलिपि, आंसुलिपि। ठीक है, आंसुलिपि जिसे कहते हैं शॉर्ट हैंड, SHORTHAND हैंड। ठीक, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक